तथागत ने बताया, अकेला बैठे सोए आलस्य रहित होकर विचरण करें। धम्मपद में गाथा है, अकेला बैठे अकेला सोए आलस्य रहित होकर अकेला विचरण करें और अकेला ही अपना दमन करें और अकेला ही वन के भीतर रमण करें। साधारण साधक के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात सद्गुरु, संत समाज और सद रहने की शरण में ही कल्याण है। एकांत की सनक में साधारण साधक अपना पतन कर लेता है। संत गुरु का आधार, सेवा भक्ति का आधार लेते हुए थोड़ा थोड़ा एकांत सेवन ठीक है। परिपव साधक के लिए भी शुद्ध संगत होनी चाहिए। जीवन आधार में है, आधार लेना पड़ता है और आधार देना पड़ता है। इसलिए साधु गुरु की शरण में लगकर विनम्रता, सेवा भक्ति पूर्वक रहते हुए सहन, समता और सुमति से रहने में रहा जा सकता है। नमो बुद्धाय।